हम इसका पार्ट टू पढ़ रहे हैं, जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व तो क्या चीज़ है? गतिविधियों से हमने देखा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो ब्राह्म्य अवस्था में हो चाहे वो गतिशील अवस्था में हो। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जिस अवस्था में वो थी उसी अवस्था को बनाने का प्रयत्न करती रहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व तो समान होता है, लेकिन पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने के अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। जैसे कि फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर उतने ही बल से किसी बड़े पत्थर को किक लगाया जाए तो वो खिसकता भी नहीं है, बल्कि समय के साथ ही हमको चोट लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान वजन द्रव्यमान के कारण होता है, क्योंकि फुटबॉल जो है उसका द्रव्यमान कम होता है लेकिन पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है, पत्थर का भार अधिक होता है। जिस वस्तु का भार और द्रव्यमान अधिक होगा तो वस्तु कम खिसकती है, और फुटबॉल में वजन कम होता है द्रव्यमान कम होता है तो वो आसानी से जा सकती है दूरी तक। ऐसा ही पाँच का सिक्का है, उसमें द्रव्यमान कम होगा तो पाँच के सिक्के को हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उतने ही कम बल की अवस्था, जैसे एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल होता उतना बल किसी रेलगाड़ी को पर लगाया नहीं जा सकता। ठेला गाड़ी को हम जिस बल से चला सकते हैं उतने बल से रेलगाड़ी को चलाया नहीं जा सकता, क्यों? ठेला गाड़ी का द्रव्यमान और आयतन और बल कम है, उसमें वजन कम है, लेकिन ट्रेन का आयतन द्रव्यमान और वजन ज़्यादा है, इसके हिसाब से उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। जड़त्व उसका प्राकृतिक गुण है जो उसको ब्राह्म अवस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए हम वस्तु का क्या कहते हैं? द्रव्यमान और जड़त्व की माप कहते हैं। अगला दूसरा क्या दिया है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, वस्तु गति का द्वितीय नियम। यह क्या बोलता है? गति का प्रथम नियम तो यह बताता है कि जब कोई वस्तु असंतुलित बाह्य बल पर किसी वस्तु पर कार्य करता है तब उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है, लेकिन वो बल पर निर्भर करती है। जैसे कि मान लीजिए टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेबल टेनिस की जो बॉल है वो छोटी होती है और उसमें गति कम होती है, लेकिन क्रिकेट जो खेलने वाले की बॉल बड़ी होती है और उसमें गति अधिक होती है। तो जब गति अधिक होगी वजन अधिक होगा तो वो निश्चित ही उस वस्तु को यानी कि दर्शकों को घायल कर सकती है, लेकिन टेबल टेनिस की बॉल दर्शकों को घायल नहीं कर। जैसे कि सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है, परंतु जब किस कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में किसी खड़े व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है, लेकिन कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर होती है तो रास्ते में उस व्यक्ति का कारण मृत्यु बन सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसे एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी व्यक्ति का मृत्यु का कारण बन सकती है, लेकिन उसी गोली को उतने ही वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव से छोड़ा जाए तो वस्तु किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती गोली। क्यों? उसमें बल कम लग रहा है। जब बल कम लगेगा तो उसका जितना प्रभाव है प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली में उसमें बल लगता है, बल और दाब लगेगा। जब बल और दाब एक साथ में कार्य करेंगे तो उसका प्रभाव अधिक हो जाएगा, और जब हम उस गोली को अपने खुद यानी किसी माध्यम से फेंका जाए गोली को, तो जब फेंकने पर उसको बल कम लगेगा और उसमें प्रभाव कम लगेगा, उसका उसमें दाब कम लगेगा तो उसका सामने वाले वस्तु पर प्रभाव कम पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? P=mu। ये न्यूटन ने दिया था। न्यूटन क्या कहते हैं? संवेग, उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल की परिभाषा है। इसका SI मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड, kg ms इनवर्स।
क्यों होता है? क्योंकि चूंकि असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। ठीक ऐसे ही गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना दी गई है। इसमें क्या लिखा है कि संवेग में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है और उसका बल बराबर सूत्र क्या होता है। तो सूत्र क्या होता है? बल बराबर के एम ए। यहाँ पर बल बराबर होता है एम गुणा ए, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये उसकी इकाई का मात्रक है। इसे न्यूटन ने कहा था, तो इसे न्यूटन का इसको उनके नाम पर ही इसका मात्रक दे दिया, न्यूटन दे दिया। ठीक है, उनके नाम पर इसका मात्रक न्यूटन रख दिया। फिर कितने न्यूटन पर बल? जैसे इसका सिंपल उदाहरण है, जैसे क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्षेत्र रक्षक जो होते हैं, वो कैच को लपकने के लिए हाथ पहले आगे करते, ऊपर की ओर करते हैं। जैसे ही बॉल उनके हाथों में आती है, तो हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बॉल का वेग है, उस वेग को कम करने के लिए, ताकि बॉल हाथ में लगते ही छटक ना जाए। उस छटकने से बचने के लिए, उसके वेग को शून्य करने के लिए, अधिक समय ना लगे, इसी कारण वो उसकी जो स्पीड है उसको कम करने के लिए हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, ताकि उसका वेग कम हो जाए और उसके वेग में परिवर्तन हो जाए, जिससे कैच आसानी से पकड़ा जा सके और हथेलियों में चोट ना लगे। ऐसे ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना पड़ता है। यदि ऊंची कूद में कुशन या बालू पर क्यों कूदना पड़ता है? बालू क्या रेत है, उसमें पैर आसानी से धस सकते हैं, जिससे शरीर को लगने में लगे नहीं। और यदि उसको किसी पत्थर पर जंप किया है, तो पत्थर पर जंप करने पर उसकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ परिवर्तन नहीं होगा, वहाँ वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो वहाँ क्या होता है कि कुछ ना कुछ होने की संभावना होती है। जैसे कि एक कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ सकता है, तो ये उसी का माध्यम है। इसको क्या बोलते हैं? गति का द्वितीय नियम। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, और वो एग्जाम्पल देख सकते हो किस प्रकार से हैं। अब आता है हमारा गति का तृतीय नियम। ये क्या कहता है? ये दोनों नियमों से ज्ञात होता है, उसके ऊपर है कि कोई भी प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, और इनमें हमें बल को मापने की विधि को प्राप्त करता है। तीसरा नियम क्या कहता है? कि जो वस्तु जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य है कि बल सदैव युगल रूप से कार्य करते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के लिए क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः दोनों खिलाड़ी चोटिल होते हैं, और दूसरे शब्दों में किसी एकल वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि सदैव हमेशा युगल में ही होता है। जैसे कि स्प्रिंग है, इसमें क्षेत्र में दिया है ए और बी स्प्रिंग दिए, तो ए और बी दोनों स्प्रिंगों को हमने एक साथ में जोड़ दिया है, तो जब दोनों को हम खींचेंगे तो उन पर उतना ही बल लग रहा है जितना सामने वाले पर लग रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्रिया प्रतिक्रिया बल, जितनी क्रिया हम कर रहे हैं उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया दूसरी वस्तु कर रही है, तो उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। ये सदैव हमेशा एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। जैसे कि इसका सिंपल उदाहरण, बंदूक से निकली हुई गोली। जैसे ही बंदूक से गोली निकलेगी, तो बंदूक से गोली तो आगे क्यों निकलेगी, लेकिन धक्का पीछे की ओर लगेगा बंदूक से, क्योंकि वहाँ क्रिया प्रतिक्रिया बल हो रहा है। जैसे ही बंदूक की गोली आगे की ओर निकलेगी, तो धक्का पीछे की ओर लगेगा, तो वहाँ क्या हो रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया बल हो रहा है। जैसे गुब्बारे में हवा निकलती है पीछे की ओर, लेकिन गुब्बारा जाएगा आगे की ओर, तो वहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया बल हो रहा है। जैसे कि नाव में हम धक्का पानी को पीछे की ओर मारते हैं, लेकिन नाव चलती आगे की ओर है। नाव में क्रिया हम कर रहे हैं पीछे की ओर, लेकिन नाव जा रही है आगे की ओर, तो यहाँ क्या? क्रिया प्रतिक्रिया बल है। ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण हैं, क्योंकि जितनी तेजी से
आगे की ओर धक्का लगेगा उतनी तेजी से उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। ऐसा ही संवेग का संरक्षण का नियम है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि दो गेंदों को आपस में टकराया जाए तो दोनों गेंदें एक दूसरे पर संगठित होंगी, यानी टकराएंगी। तो टकराने पर क्या होगा, जिस गेंद को हमने फेंका है वो गेंद उससे टकराकर थोड़ा पीछे की ओर आएगी और जो टकराने वाली गेंद है वो आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो यहाँ टक्कर हुई, टक्कर जब होती है तो आमने सामने की ओर वस्तुएं गेंदें जाती हैं, तो उन गेंदों में क्रिया प्रतिक्रिया बल भी होता है। फेंकने वाली गेंद थोड़ा पीछे की ओर आएगी और आगे जाने वाली गेंद जो जिस पर हम टक्कर मार रहे हैं वो गेंद थोड़ा आगे की ओर जाएगी। तो जब आपस में टकराएंगे तो वहाँ क्रिया प्रतिक्रिया बल होगा। वही नियम संवेग संरक्षण का नियम है। इसमें गुब्बारा मेन एग्जाम्पल है, बंदूक से निकली हुई गोली भी एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि हॉकी से क्या नाम है, बॉल को मारने पर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके साथ ही अपना पाठ 9 पूरा होता है।